न्यारी रोड पे देखा होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट पेन क्लिनिक्स एट मुंबई. And Sister Bertila is selflessly working for the leprosy patients over the years and years. Ajay Kaur ji, Rajan Kashyap ji, और उनके सभी सहकारी साथी, एकता मंच. मैं अकेला ही बैठा था. मैं बोला एकता का अकेले ही होता है क्या? पहली बार मैं ऐसे डायस के ऊपर अकेला, बाजू में कोई ना कोई तो मुन्ना होता है. पहली बार मुझे वेस्ट में बुलाया गया और बुला के मुझे अकेला बैठाया गया. अभी छोड़ने भी अकेले आएंगे. आप मुझे जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर आपका एमपी हूं मैं. बारह दिन में चुन के आने वाला हिंदुस्तान में एक ही आदमी है, रविंद्र वाईकर. 30 मई को यानी 30 अप्रैल को मुझे पूछा गया, उसके पहला पूछते थे, मैं ना कर रहा था. फिर 30 को मुझे बुलाया गया सीएम साहब ने और बोला आपको लड़ना है, नहीं तो आपका औरत को लड़ना है. बोला औरत को कहां भेजू मैं यहां? तो बोला चलो मैं लड़ता हूं. फिर 1 मई को डिक्लेयर किया, 3 मई को मैंने फॉर्म भरा, 5 मई को रेक्टिफिकेशन हो गया और 5 से लेके 18 यानी 13 दिन के अंदर एक दिन मोदी साहब के लिए, संडे के दिन मोदी साहब आए थे, तो 12 दिन में 6 लोकसभा विधानसभा के विभाग में घूमना, यानी एक विधानसभा को 2 दिन और 2 दिन के अंदर वहां से चुन के आना, ये मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल बात, एक चैलेंज था, मगर एक फिगर थी. मैं इस मुंबई में 4 बार नगर सेवक हूं, 3 बार आमदार और अभी आपका खासदार. मैं जब लोकसभा में गया पहली बार, आपके आशीर्वाद से, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, वोटों के माध्यम से आपने आशीर्वाद दिया. आप मुझे जानते नहीं थे, मगर हमारी युति भक्तम थी. शिवसेना भाजपा युति के जो भी लोग थे उन्होंने जी जान से काम किया, इसके लिए उसका प्रसाद मुझे मिला और उस आशीर्वाद आपके थे. जिन्होंने दिया उनके भी थे, जिन्होंने नहीं दिया उनके भी थे. मैं जब लोकसभा में एंट्री किया तो पहला दिन था मेरा, नई लोकसभा थी. पहला दिन गया मैं, जाके पका देखा तो वहां राजनाथ सिंह थे, हमारे गृह मंत्री थे, शाह साहब थे. तो मैं उनको हाथ मिलाने गया. पहले दिन हाथ मिलाने जाने के बाद मैंने, राजनाथ सिंह जी तो मुझे जानते थे, अमित शाह जी से हाथ मिलाया. मैं बोला मैं 27 मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुन के आया हूं. अरे आपको कौन नहीं जानते, आपकी तो बहुत बड़ी चर्चा है. मैं बोला मैं पहली बार चुन के आया हूं और हमारे गृह मंत्री कहते आपके नाम की चर्चा हूं. मुझे मालूम पड़ा क्यों थी. उसके बाद हमारे यहां अध्यक्ष का इलेक्शन हो गया, ओम बिरला जी सिलेक्ट हुए, इलेक्ट हो गए और उनको मिलने गया. मिलने के बाद मैंने बोला मैं मुंबई से हूं, मेरा नाम रविंद्र वाईकर हूं. 48 वोट ना, नहीं समझे, समझ में आया? तो 48 वोट पूरे हिंदुस्तान में पहचान हो गई, रविंद्र वाईकर को 48 वोट मिला और वो आप लोग ने चुन के दिया था. मगर उसके पीछे का, जब मेरे पहले के जो खासदार थे वो 2,60,000 वोटों से विन हो गए थे. अभी 2,60,000 वोट वो डिफरेंस वो निकालना बहुत बड़ी बात थी. तो 48 वोट नहीं थे, 2,60,000 वोट उसके पीछे भी थे, वो ध्यान में रखिए. यानी 4,64,444 वोट मुझे मिले, कम नहीं थे. तो उसी ओर से मार्जिन से मैं जीत के आया. जीत के आने के बाद मुझे मालूम है मुंबई शहर में मैं 4 बार कॉर्पोरेटर था,
मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था जो चार बार था, यानी मुंबई कारपोरेशन के इतिहास में चार बार स्टैंडिंग कमेटी 100 साल में मिलने वाला रविंद्र वाईकर एक ही था, जो बाला साहब के आशीर्वाद से, क्यों मैंने मुंबई शहर में सीसी का हो, पानी की समस्या हो, अपर वैतरना से लेके लोअर वैतरना के बीच में मिडल वैतरना बांधा था, उसके लिए मैंने बाला साहब जी का नाम भी उसको दिया था, उसमें से 450 ml पानी लाया था, बादशाह से मैंने 450 ml पानी लाया था, जिस मुंबई को मैं 2005 में आया, 5 और 6 में बैठा था स्टैंडिंग कमेटी में, तो 2900 ml पानी मिलता था, मैंने मेरे 4 साल के पीरियड में 900 ml चार पानी लाने का प्रयास किया, ने पूरा किया, वो रविंद्र वाईकर था, जिस टाइम तुम्हें 90 लीटर पानी मिलता था, मेरे वजह से आप 135 लीटर पानी मिल रहा है। एसटीपी आगे एकता मंच के बारे में अजय कौल जी, हमारे काशिद जी, मैं तो उनके लिए भी नया हूँ, मेरे लिए भी वो नए हैं। ये 2 महीने के अंदर यानी इलेक्शन के 15-20 दिन के पहले मेरी और उनकी मुलाकात हो गई। मैंने देखा एक अच्छा सा स्कूल चलाते हैं वो, यानी उधर के पब्लिक को यानी लड़के लोग को वहाँ एडमिशन देना, अच्छे में शिक्षा देना, ये अच्छा नेक काम करते हैं। और उसी तरह मैंने इलेक्शन के टाइम 1-2 बार वहाँ गया, फिर उनके फ़ोन आए, मेरे फ़ोन गए, जो हमारा कांटेक्ट अपने जैसे आपके लोगों से मेरा कांटेक्ट होता है उसी प्रकार से, तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मेन है कि हमारे यहाँ जो मुंबई कॉरपोरेशन के माध्यम से जो काम करते हैं, यानी मुंबई कॉरपोरेशन के अंदर जो सफाई कामगार होते हैं, अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, उसी प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, उसकी पर मिलिट्री होते हैं, जो अच्छे काम उस होते हैं उसको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी होती है। वो काम नेक आदमी ही कर सकता है, वो नेक काम उन्होंने किया है और मुझे भी अच्छे बुलाया तो मैं भी आया। मेरा अभी 7 बजे का दूसरा मीटिंग है, पहला सुबह है हो गया, उसके बाद खाना खा के मैं यहाँ आया, तो यहाँ से मैं अभी एक दूसरी मीटिंग में जा रहा हूँ। मगर अच्छे काम के लिए मैं हमेशा उनके पीछे नहीं आगे रहूँगा कि जो भी काम उनका होगा तो हम उनका ही नहीं सभी का करना चाहता हूँ। और इस एरिया भी मुझे नया है, आज पहली बार मैं वेस्ट में एंट्री किया हूँ, पहली बार, यानी एक ऐसे कोई फंक्शन के माध्यम से, तो आते जाते रहूँगा तो उनके काम भी करने को मुझे मिलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर मैं आते समय में देखा मैंने बहुत सारी ट्रैफिक और ये सब, तो उसके लिए मैं हर वार्ड में तो हमेशा जाता हूँ, जैसे मेरी एक विजिट होगी तो अगली विजिट में और इसके ऊपर क्या सुधार कर सके वो भी देखूँगा मैं। अजय सर, जो सर ने वादा किया है अंधेरी वेस्ट को सुधारने का, आप इतने सालों से इतने काम करते आ रहे हैं, रविंद्र सर का साथ मिला है, आपको सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके कामों का तो एक बहुत बड़ा इतिहास है, अगर हम लोग देखेंगे कि जब से वो कॉरपोरेटर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा की है, वो आम जनता के सामने हैं, और मुझे यकीन है कि इस एरिया में उनका काफ़ी योगदान रहेगा और ये इलाका हमें बिल्कुल अलग देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सर। Let's go.